नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए बेसिक शिक्षा की कुछ खबरें और साथ में दो खबरें हैं शिक्षा मित्रों को लेके, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए कुछ ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आपको खबरें बताते हैं। सबसे पहले शिक्षा मित्र की खबर यही है कि शिक्षा मित्र के लिए एक छोटी सी अच्छी सी खबर है कि शिक्षा मित्रों के अब मानदेय से पीएफ कटा करेगा, उनका भी पीएफ अकाउंट खुलेगा। पीएफ अकाउंट जो है भविष्य सुरक्षा निधि खाता होता है, लगभग उसमें कुछ अंशदान किया जाता है अपनी मानदेय से, उसमें से कुछ कटौती होगी और वो पैसा जमा होगा भविष्य में किसी भी आवश्यकता के लिए। तो पीएफ अकाउंट में पैसा सुरक्षित होने पर शिक्षा मित्रों का भविष्य थोड़ा बहुत सुरक्षित हो जाएगा। ये बात इसलिए भी अजीब है क्योंकि जहाँ तक जिन लोगों के मन में ये शंका है कि शिक्षा मित्र निकाल दिए जाएंगे या शिक्षा मित्र नहीं रहेंगे, तो उनके ये आदेश जो पीएफ अकाउंट को लेके हैं उसमें ये बताता है कि शिक्षा मित्र कोई छोटी कार्यावधि का व्यक्ति नहीं बल्कि एक लॉन्ग प्रक्रिया में काम करेगा, वो एक लंबे पीरियड तक काम करेगा। तभी तो ये ऐसे आदेश आ रहे हैं कि उनके मानदेय से पीएफ खाते में कुछ धनराशि जमा किया जाए ताकि उनके बुढ़ापे में या उनके सेवारत के बाद से जब वो रिटायर होंगे तब उनके वो खाते में पैसे काम आ सकें। तो ऐसा आदेश सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया है, कोड भी दे दिए गए हैं, उसी कोड के अंतर्गत उनके खाते खोलेंगे और कुछ बीएसएस पर कार्रवाई हो चुकी है शिक्षा मित्रों के खाते न खुलवाने पे। तो ये मामला अब तेज़ी से तूल पकड़ेगा और जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के भी पीएफ खाते खोल दिए जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 15 अक्टूबर तक पूरी क्लियर हो जाएगी। 15 अक्टूबर तक प्रदेश में और जहां तक कि देश में कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मियों की स्थिति भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक बैठक सितंबर को ही है, 21 सितंबर को ही बैठक है जहाँ पर सभी जिला जहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री राज्य के MHRD मंत्रालय में बात करेंगे और वहाँ पर बैठक होगी और अपने अपने राज्यों के संविदा कर्मियों के बारे में प्रस्ताव रखेंगे। और तो जाहिर सी बात है कि सभी को इंतजार है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के बारे में क्या रूपरेखा तैयार कर चुकी है, वो भी स्थिति MHRD मंत्रालय में जाकर स्पष्ट होगी। अगर वहाँ भी स्पष्ट नहीं होगी तो शिक्षा मित्रों को केवल 15 अक्टूबर तक इंतजार करना है। 15 अक्टूबर में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होगी, पूरे देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें संविदा कर्मियों की स्थिति को भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो ये रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की खबर, दोनों खबरें शिक्षा मित्रों की थी। लेकिन अब हम जो खबर बता रहे हैं वो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी की बता रहे हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने एक बैठक ली थी 11 सितंबर को जिसमें सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और मंडल के बेसिक सहायक निदेशक भी उसमें मौजूद थे। तो उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं जो वैसे तो निर्देश सामान्य हैं कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाए, कोई बकाया वेतन है तो उसका भुगतान अभियान चला के किया जाए, महिला अध्यापकों को चाइल्ड केयर लीव है या मैटरनिटी लीव है उनको समय से दी जाए, उसमें कोई भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए मामला। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षकों का किसी भी तरह से कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल रखें, उनकी समस्याओं को तुरंत निस्तारित करें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसके बाद जो खास खबर थी जो जिला राज्य बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिया वो यही कि अब सभी NPRC और ABRC के पद खत्म कर दिए जाएंगे, यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सह समन्वयक और न्याय परिषद केंद्र पर भी समन्वयकों का पद खत्म कर दिया जाएगा। ABRC और NPRC का पद शिक्षक ही संभालते थे, ये प्रमोटेड होते थे और ये कार्य करते थे, लेकिन अब इन शिक्षकों को ये पद छीन लिए जाएंगे, यानी NPRC और ABRC के पद खत्म होके दोबारा से वो शिक्षक रहेंगे। और ख़ास बात ये रहेगी कि अब ये दोबारा से ABRC NPRC पद नहीं रखे जाएंगे। वैसे तो ये लगता था कि प्रेरणा ऐप की वजह से हो रहा है क्योंकि प्रेरणा ऐप जब सारी सूचनाएं डायरेक्ट शासन को भेजेगा तो शायद बीच में सूचना आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए समन्वयकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए शायद सरकार इनको हटा रही है। लेकिन आज के अखबार में निकली विज्ञप्ति के या उस खबर के कारण आज हमें ये पता चल रहा है कि उसमें ये कारण कुछ और ही है। कारण ये रहा है कि अब ABRC और NPRC के पद इसलिए खत्म किए जाएंगे क्योंकि बेसिक शिक्षा में कार्य कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संघ ने ये मांग की है कि हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काफ़ी शिक्षित हैं, बहुत से तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हैं, कम ही हैं जो बहुत ही कम शिक्षित हैं। तो इसलिए हमारे विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विभाग में कोई प्रमोशन नहीं होता है, तो उनको मानसिक थोड़ा दबाव रहता है कि इतना शिक्षित होने के बाद भी वो अभी तक उनका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो बेसिक शिक्षा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रमोशन की व्यवस्था शायद सरकार करने जा रही है।
इनका प्रमोशन होगा तो ये क्या कार्य करेंगे, यही समन्वयक वाला काम दे दिया जाएगा, एनपीआरसी वाला, यानी सूचनाएं लाने ले जाने का काम फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्या करेंगे। तो ये थी खबर बी सी मंत्री जी के आदेशों की। अब जो हम खबर बताएं वो है कल की यानी कि 12 सितंबर की डेट की। 12 सितंबर को सुनवाई है रिजवान अंसारी के केस की, और इस केस में खास बात यही रही है कि एजी साहब की उपस्थिति लेकर हमेशा चर्चा रही है। तो एजी साहब की उपस्थिति के लिए हम आपको बताएं कि 11 सितंबर को एजी साहब की उपस्थिति के लिए बीएड और बीटी से अभ्यर्थियों ने एक शांतिपूर्ण विशाल धरना दिया था एससीईआरटी कार्यालय पर, और वहां पर एजी साहब की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव डाला था। उनकी मांग थी कि एजी साहब प्रॉपर रूप से सुनवाई करें और 60-65 पर फाइनल ऑर्डर आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 60-65 की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजवान अंसारी 40-45 की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों बस ये थी इतनी खबरें आज बेसिक शिक्षा को लेकर, शिक्षा मित्रों को लेकर, हम ऐसी ही खबरें आपको देते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।